श्लोकों से भगवान की वहाँ स्तुति करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। आगे में पिंडदान करने वालों को चाहिए कि वह प्रेत शिलादि तीर्थों में स्नान करके अपने श्रेष्ठ पितरों का आवाहन करके वरुणादि नदी के अमृतमय जल से पिंडदान करें, और पिंडदान करते समय ये पूरा यहाँ स्तुति है पिंडदान। अगली स्तुति में करने जाऊँ तो आधा घंटा लगे, तो यहाँ ये करने का अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्तुति कथा के बाद प्राप्त कर लेना। और इस स्तुति के द्वारा कभी आपके घर से या कभी आपका जाने का मौका आए तो उस समय ये स्तुति, जब भी श्राद्ध आदि कर्म कर रहे होंगे तो उस समय उस ब्राह्मण देव को रोक के कि आपकी पूरी विधि हो गई हो तो आखिरी आखिरी जो बचता है दूध भी, उस समय कहना कि रुको, ये स्तुति हम पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, उसके बाद इसकी पूर्णा की, तो ये बाद में आप प्राप्त कर लें। इसमें क्या है लिखा हुआ मैं उसका अर्थ आपको बताऊँ। अब देखो इसमें कितनी सूक्ष्मता रखी गई, कि श्राद्ध करने वाला अपने पितृगण किस योनि में होंगे ये हमें नहीं पता, श्राद्ध करने वाले, लेकिन फिर भी मृत्यु किन कारणों से हुई है और मृत्यु के पश्चात वो जीव कौन सी योनि में गया होगा, तो वो जिस योनि में चला भी गया होगा उस योनि में रहते हुए भी उसका हम उद्धार कर सकते। सुनिए तो समझ लें, वो स्तुति के अर्थ, हमारे कुल में जो मरे जिनकी सदगति नहीं हुई है, इस गर्भ पृष्ठ पर तिलोदक के द्वारा उन सभी पितरों का हम आवाहन करते हैं। पितृवंश एवं मातृवंश में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों के उद्धार के लिए यह पिंडदान दे रहा हूँ। मातामह अर्थात नाना के कुल में जो लोग दिवंगत हो गए हैं, जिनको कोई सदगति प्राप्त नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। हमारे कुल में जो दांत निकलने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो कोई गर्भकाल में विनिष्ट हो गए, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं ये पिंडदान कर रहा हूँ। जिनके दांत नहीं निकले उससे पहले ही जो शिशु दिवंगत हो गए उनके लिए भी यहाँ बताएं, जो गर्भकाल में नष्ट हो गए उनका भी पिंडदान करना चाहिए, वो भी यहाँ बताया। आगे बताया कि बंधु कुल में उत्पन्न जो कोई नाम गोत्र से रहित है, हमारे बंधु बांधव होंगे, स्वगोत्र अथवा परगोत्र में जिनकी कोई गति नहीं रही है, उनके उद्धार के लिए ये मैं पिंडदान कर। उद्बंधन माने जो फांसी खा के मर गए, विष प्राशन करके मर गए, शस्त्राघात से जिनकी मृत्यु हो गई है, युद्ध में शस्त्र से जिनकी मृत्यु हो गई है, या जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, उन लोगों को भी मैं पिंडदान दूँ। अब हमें नहीं पता ना पूर्व में किसने आत्महत्या की, किसने, तीसरी चौथी पीढ़ी तक का पता होता है तो उसके आगे किसको पता, तो उनके लिए भी यहाँ पिंडदान। जो लोग अग्नि में जल के मर गए, जिनकी मृत्यु सिंह और शेर आदि हिंसक प्राणियों के द्वारा हुई, विशाल दांतों वाले हाथियों के द्वारा या सिंहधारी पशुओं के आघात से जो मरे, उन सभी के उद्धार के लिए पिंडदान। जिनकी मृत्यु अग्नि में जल के हुई है अथवा बिना अग्नि में जले हो गई है, जो विद्युत से आसमान से जो बिजली गिरती है उससे जो मर गए, या चोरों द्वारा मारे गए, उनको भी मैं पिंडदान करूँ। जो रौरव अंधकामेश्वर तथा कालसूत्र नामक नरकों में गए हैं उनके उद्धार के लिए भी पिंडदान करूँ। जो असीपत्र वन और घोर कुंभीपाक नामक नरकों में पड़े हुए हैं उनके उद्धार के लिए भी यह पिंडदान। अन्य जो यातना भोग रहे हैं और प्रेत लोक में निवास कर रहे हैं उनके उद्धार के लिए भी यह पिंडदान। जो पितृगण पशु योनि में चले गए अथवा जो पक्षी कीट पतंग सर्प सरीसृप, सरीसृप माने जो सर्प के चलने वाले हैं, या सांप आदि तो है लेकिन छिपकली है, गिरगिट है, और वो
मगरमच्छ जैसा ही लेकिन बड़ा प्राणी चिपकली जिसको गोल गोल गो दीवार पर चिपक जा चढ़ गए वो आदि जो योनियों में जो चले गए सरीसृप आदि या जो वृक्ष योनि में अवस्थित हो गए ऐसों के लिए भी पिंडदान दे रहा जो यमराज के शासन आदेश से यमगणों के द्वारा असंख्य यातनाओं के बीच पहुंच गए उन सभी के उद्धार के लिए पिंड दे रहा जो अपने कर्मानुसार हजारों योनियों में घूमते हुए कष्ट भोग रहे हैं जिनको मानुष योनि दुर्लभ है उन सभी को मानुष योनि मिले इसलिए मैं पिंडदान दे रहा हूँ जो हमारे बांधव हैं या जो हमारे बांधव नहीं हैं अथवा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु बांधव कभी रहे होंगे वे मेरे द्वारा दिए गए इस पिंडदान से सदैव तृप्ति को प्राप्त करें जो कोई भी पितृजन प्रेत रूप में अवस्थित है वे सभी इस पिंडदान से तृप्ति प्रदान करें हमारे पितृकुल के मातृकुल के हमारे गुरु हमारे स्वश्रु बांधव अथवा अन्य संबंधियों के कुल में उत्पन्न होकर जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और जो अन्य बांधव है जो मेरे कुल में पुत्र पत्नी से रहित होने के कारण लुप्त पिंड है प्रिया लोक से जिनकी दुर्गति हुई है जो जन्मांध जन्मांध है माने जन्म से ही आंखें जिनकी नहीं है या पंगु है जो विरूप है अथवा अल्प गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं जो ज्ञात अथवा अज्ञात है उनके निमित्त मेरे द्वारा दिया अथवा दिया गया यह पिंडदान अक्षय होकर उनको प्राप्त हो ब्रह्मा और ईशान आदि देव आप सब मेरे इस कार्य के साक्षी हो मैंने गया तीर्थ में आकर के पितरों के उद्धार के लिए पिंडदान आदि कार्य संपन्न किया है हे भगवान गदाधर विष्णु मैं पितृ कार्य के लिए इस गया तीर्थ में उपस्थित हुआ हूँ मेरे द्वारा संपन्न किए गए आज के इस पितृ कार्य में आप साक्षी हो आज मैं देव गुरु और पितृ तीन ऋणों से मुक्त हो गया ऐसा उन श्लोकों का अर्थ है तो ये जो स्तुति की है अब इनमें जो जो बताया उसके अलावा अन्य किसी प्रकार से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती इतने ही प्रकार से मृत्यु होती है और इसमें से एक भी मेरे ख्याल से छूटा नहीं है और इस प्रकार की स्तुति स्वयं भगवान ही बता रहे हैं कि इस प्रकार की स्तुति वहाँ करे गया श्राद्ध में तो पितरों का उद्धार हो जाता है भगवान नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है और देव ऋण गुरु ऋण और पितृ ऋण ये तीनों ऋणों से जीव मुक्त हो जाता है बोलो भक्त वत्सल भगवान की आगे 14 मन्वंतरों का वर्णन है 18 विद्याओं के नाम हैं उन 14 मन्वंतरों को भगवान विष्णु ने भगवान शिव को ये संपूर्ण 14 मन्वंतरों की कथा सुनाई कि कौन से मन्वंतर में कौन मनु हुए कौन स्वयंभू राजा हुए इस संपूर्ण विश्व के वो सारी चीज़ें यहाँ बताई और उनके भी वंशावली में कौन कौन राजा हुए उसके बाद कौन बैठा उसके बाद कौन बैठा ऐसा करते करते एक बार भगवान हरि ने ब्रह्मा और भगवान शिव को 14 मन्वंतरों का जो वर्णन सुनाया था अब उसके बाद मार्कंडेय ऋषि ने क्रौंचु की मुनि को जो पितृ स्तोत्र सुनाया था वो प्रजापति रुचि द्वारा जो स्तुति की गई थी वो पूरा संवाद यहाँ मार्कंडेय ऋषि क्रौंचु की ऋषि को सुना रहे अब ध्यान से मन लगाकर यह कथा सुने जितना लाभ वो गया में जाकर श्राद्ध करते समय वो स्तुति का पाठ करने से होता है उससे 10 गुना ज़्यादा लाभ और तत्काल लाभ तुरंत लाभ ये प्रजापति रुचि द्वारा जो स्तोत्र पितरों के निमित्त कहा गया पितृ स्तोत्र उससे होता है अब इसका पूरा वर्णन सुनिए प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति
माया मोह को छोड़कर स्वल्प शयन करते हुए माने कम निद्रा लेते हुए निरंतर भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र आदि का भी त्याग कर दिया और संसार क्षणभंगुर है और ये संसार में किसी भी प्रकार का सार नहीं है, ये जानकर उन्होंने सोचा कि क्यों नाहक में समय बिगाड़ना, भगवान की भक्ति करो, भजन करो, दो मुट्ठी अन्न कहीं से भी मांग के खा लो, पेट की आवश्यकता ही कितनी है। और शरीर का निर्वाह जब तक होता है तब तक करो और फिर इस शरीर को छोड़ दो और भगवान के लोक को प्राप्त हो। यद्यपि भाव बहुत अच्छा था रुचि का, लेकिन रुचि ने सब प्रकार के कर्म छोड़ दिए। शास्त्र कहता है, क्या कहता है शास्त्र, ये कहता है सौ काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए, हजार काम छोड़कर स्नान वगैरह कर लेना चाहिए और लाख काम सामने आए हो लेकिन वो सब छोड़कर दान पुण्य कर लेना चाहिए, भागवत कहता है। लेकिन करोड़ करोड़ काम सामने आए हो तो वो सब बाद में, अगर आपको हरिनाम लेने का मौका मिलता है, सत्संग सुनने का मौका मिलता है, भजन करने का मौका मिलता है, तो वो करोड़ काम बाद में, सबसे पहले हरि का भजन कर लेना चाहिए, जप कर लेना चाहिए। ये भी एक बात ठीक अच्छी है। तो इसी बात को समझकर प्रजापति रुचि सब छोड़ छाड़ के भजन कर रहे हैं। अब पितरों को श्राद्ध आदि करना छोड़ दिया, तर्पण करना छोड़ दिया, पिंडदान आदि करना छोड़ दिया, तो पितृगण व्याकुल हो। मैंने पहले ही कहा था एक बार देव पूजा न हो तो चल जाएगा, लेकिन पितृ पूजन या पितरों के निमित्त अवश्य दान धर्म कर लेना चाहिए। उन्होंने नहीं किया और पितृगण हो गए कुपित, परेशान हो गए, व्यथित हो गए और एक दिन पितृगणों के सामने, पितृगण राजा रुचि के सामने प्रकट हो गए और पितृगणों ने रुचि को कहा कि हे वत्स, तुमने किस कारण दार परिग्रह किया। दार परिग्रह माने शादी नहीं, विवाह नहीं किया, और विवाह तो नहीं किया और ऊपर से तुम तर्पण कार्य, श्राद्ध कर्म, पितृपूजन आदि भी सब कुछ तुमने छोड़ दिया है, ये सब ठीक नहीं। मनुष्य जब जन्म लेता है तभी से उस पर धर्मशास्त्र प्रभुत्व जमाते हैं और कहते हैं कि जैसे 16 संस्कार आदि करने चाहिए, ये वो विधि विधान, 5 प्रकार के यज्ञ आदि, ये सब कुछ करना चाहिए मनुष्य को, ये भगवान आज्ञा देते हैं, शास्त्र आज्ञा देते हैं, और जो इस शास्त्र सम्मत कर्म को त्याग देता है वो व्यक्ति अधोगति को प्राप्त हो जाता है। क्या ये तुम्हें पता नहीं है? प्रजापति रुचि कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मेरा मन संसार में लगता नहीं है, मेरा मन तो भगवान के भजन में है। अब आपकी तृप्ति नहीं हुई उसमें हम क्या करें? आपने अपने, जब आपका मनुष्य शरीर था तब आपने भगवान का भजन नहीं किया, तब न करने जैसे कर्म किए, न खाने जैसा खाया, न बोलने जैसा बोला, न सुनने जैसा सुना, सारे अधर्म कार्य आपने किए और शरीर छोड़ दिया, उसके बाद फिर भी हमने पितृ तर्पण आदि वर्ष पर्यंत किए, तब तो आपको प्रेत योनि न मिलकर पितृ योनि मिली है। अब मैंने कोई ठेका नहीं लेके रखा ना आपकी मुक्ति के लिए या आपकी सदगति के लिए, मैं तो भगवान का भजन करूँगा, मैं आनंद में रहूँगा,
तब पितृगण उसे समझाते, क्या समझाते अब सुनो। पितृगण कहते हैं कि हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कहना उचित है, किंतु ये कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे। पंचयज्ञ तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए, फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म है वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वो भोग से नष्ट होता। प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है वो सुख दुखात्मक भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार विद्वत जनों के द्वारा अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा की जाती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता, मतलब अपने विवेक से रक्षित आत्मा कभी पाप रूपी कीचड़ में नहीं लिप्त होता, ऐसा कर। तो रुचि ने कहा कि हे पितामह और पितृगण, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या माया की परिपुष्टि की गई है, इसलिए आप सब कैसे मुझे उस मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हो। कि एक तरफ शास्त्र कहता है कि ये पूरा जगत तो ये माया रूप है और ये भगवान की माया से आवृत्त है, तो ये जो कुछ भी दिख रहा है भगवान की माया है, और ये माया से परे होने के लिए शास्त्र भी आज्ञा देते हैं और संत महात्मा भी यही कहते हैं, और आप मेरे पितृगण हो तो आपको मुझे उचित रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन आप तो उल्टा रास्ता दिखा रहे हो कि आप तो माया में उलझो, कर्मकांड में उलझते रहो, मुझे उल्टा मार्ग क्यों बताए। तब पितरों ने कहा कि देखो, कर्म के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह सब अविद्या। कर्मों के द्वारा जो कुछ भी किया, फिर वो भले आप आसन माला लेकर जप ही क्यों न कर रहे, वो भी एक प्रकार का कर्म है, और वो कर्म जहां कहीं भी है वहां अविद्या है। अब इसको कैसे समझोगे? गीता का सहारा लो। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, जपानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। भगवान नाम का जप किया जाए वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। हमें भले आहुति डालना ना आता हो, देवी देवताओं का या नवग्रहों का आवाहन करना ना आता हो, विसर्जन करना ना आता हो, उनका षोडशोपचार से या पंचोपचार से पूजन आदि करना ना आता हो, तो हम यज्ञ नहीं कर सकते। तो जब वो कुछ भी ना आए फिर भी भगवान ने कहा कि यज्ञों में अगर मैं हूँ तो वो जप यज्ञ हूँ, जप करें। तो उसमें भगवान ने ये नहीं कहा कि कोई आसन माला लेकर बैठे, मेरे नाम की माला फेरे, वही उत्तम जप है। लेकिन उसको संतों की भाषा में सुनो, संतों ने कहा माला श्वासो श्वास की, जगत भगत के बीच जो फेरे सो गुरु मुखी, ना फेरे सो श्वास श्वास में नाम जप यही धारणा सा। श्वास अंदर गया सो बाहर आया, हम सो सो ये माला करने के लिए कोई आसन की आवश्यकता नहीं है, कोई माला की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र की भी आवश्यकता नहीं, वो तो सतत चल ही रहा है। आपका कितना ध्यान उस मंत्र पर है वो उतना जल्दी चलेगी। तो ये माला श्वासोश्वास की क्या है, यही तो है, और ये नित्य चलती रहती। बड़ा सुंदर भजन है कबीर कबीरदास जी, तो कहते हैं Thank you.
ये वो सोहम 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 ये सतत चलता है। तो कहा गया कि ये जो जप भी है आसन माला संयुक्त वो भी एक प्रकार से अविद्या। तो अविद्या से युक्त जो भी कर्म होते हैं वो सब माया में तो है, वो सर्वथा निषिद्ध है। किंतु हे